टॉपिक इज फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए। सेक्शन कौन सा पढ़ा था हमने? इधर आ जाइए, सेक्शन 74 पढ़ा था हमने, ठीक है। उसमें प्रेसिडेंट हमने अपॉइंट कर लिया एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट द्वारा, वो किसको अपॉइंट करेंगे या उनकी क्या पावर्स और फंक्शंस है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, आफ्टर गेनिंग हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में आते ही प्राइम मिनिस्टर फर्स्टली फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वो सबसे पहले क्या बनाएंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे। आप जानते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर पोर्टफोलियोज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। देखिए, बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? फर्स्टली फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स द नंबर ऑफ मेंबर्स। सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, और उनका काम यानी उनका क्षेत्र वगैरह जो भी है, पोर्टफोलियो, वो कैसा रहेगा वो बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग। सेकेंड, देखिए क्या किया है पहले के अंदर, वापस से बता देती हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म करेंगे, है ना, और उसके बाद उनके पोर्टफोलियोज भी डिसाइड करेंगे इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग। डिविजन एंड अमेंडमेंट सेकेंड पॉइंट है ऑफ पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स। और प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? अपने डिस्क्रिएशन से, यूज हिज डिस्क्रिएशन वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वेरियस पोर्टफोलियो अमंगेस्ट हिज मिनिस्टर्स। बहुत सारी अपनी जो पोर्टफोलियोज रहती है, मतलब अलग अलग एरिया डिपार्टमेंट्स वगैरह की, किसको क्या देना है, किसको क्या देना है। लेट से कि कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई ये है वो है, मतलब सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो गया ना, तो अपनी अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन वो अपनी इच्छा पर, इच्छा ऐसे ही नहीं कि जिसको मन आया, ठीक है, ऐसे नहीं, वो कैपेबिलिटीज़ देखते हैं जो भी होता है बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज़ वो मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो डिवाइड करते हैं अमंगेस्ट हिज मिनिस्टर्स। एंड नॉर्मली नो वन अपोज द फाइनल लिस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, और कोई भी उनकी बनाई गई फाइनल लिस्ट को अपोज यानी उसके ऑपोजिशन में, उसके अगेंस्ट में कोई नहीं बोल सकता। ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, वो खुद चाहे तो क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड टॉपिक, डायरेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स अपॉन द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑफकोर्स, क्योंकि हेड कौन होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर मीटिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग्स होती है उस पर प्रिसाइड करते हैं, बोलते हैं। एंड डायरेक्ट्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सारी वर्किंग किसके अंडर में हो रही होती है? प्राइम मिनिस्टर के, ऑब्वियसली, क्योंकि उसे कौन डायरेक्ट कर रहा होता है? प्राइम मिनिस्टर। ओनली दो सब्जेक्ट्स आर डिस्कस्ड अपॉन इन द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच आर इन द टॉप लिस्ट ऑफ द एजेंडा एज फॉर्म्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ वही सब्जेक्ट डिस्कस किए जाते हैं मीटिंग के अंदर जिसको प्रायोरिटी दी गई होती है एजेंडा में प्राइम मिनिस्टर द्वारा। व्हाट डू यू मीन बाई एजेंडा? एजेंडा मीन्स आज की मीटिंग का क्या टॉपिक रहेगा, किस पे बात करेंगे, किस पे चर्चा करेंगे, वो जो होती है वो एजेंडा कहलाती है, ठीक है, कि आज का हमारा क्या डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। फोर्थ आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स से कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का जिम्मेदारी भी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की। इस्टेब्लिश करते हैं कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, बाय विच द एंटायर गवर्नमेंट में फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, ताकि सारी सरकार एक यूनिट की तरह काम कर सके। इस्टेब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये इतना ही नहीं बल्कि क्या करते हैं, अच्छा एक पॉइंट रह गया हमारा, सॉरी, लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की क्या होते हैं? लीडर होते हैं। ये तो हम पहले देखे हैं ना, अभी हमने यहाँ क्या बात करी थी कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ द लोकसभा। यानी क्या हुआ, जो भी लीडर होगा, तो ये तो बट ऑफकोर्स है कि जो कोई भी लोकसभा की मेजॉरिटी पार्टी होगी उसका लीडर है ना। तो फिफ्थ पॉइंट वही कह रहा है कि लीडर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? लोकसभा के लीडर भी होते हैं। ही प्रोवाइड्स गाइडेंस टू ऑल द वर्क्स एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। देखिए, जो भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है लॉ फॉर्मेशन के लिए, वो भी कौन देते हैं?
प्रेसिडेंट ही देते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। अभी मेरी बात सुनिए ना, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक तरीके से है ना एग्जीक्यूटिव भी हो गए और लेजिस्लेचर भी हो गए। कैसे? लेजिस्लेचर में भी आ गए। कैसे? एग्जीक्यूटर तो है ही क्योंकि उनके साइन होते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आ गए तो एग्जीक्यूटिव तो वैसे भी हो गए, लेकिन क्योंकि लेजिस्लेचर के अंदर भी उनका रोल कैसे हो गया, क्योंकि वो क्या हो गए, ही प्रोवाइड्स गाइडेंस टू ऑल द वर्क्स एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लॉ, क्योंकि पार्लियामेंट के जो लॉ फॉर्म करती है वो भी उनकी गाइडेंस में ही चलता है क्योंकि वो हेड ऑफ द लोकसभा होते हैं, इसलिए वो किस में भी आ गए, लेजिस्लेचर में भी आ गए। ऑल द गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस इंक्लूडिंग द एनुअल बजट आर फॉर्म्ड एज पर हिज डिस्क्रिशन, और जितने भी एनुअल बजट होता है वो सब उनकी इच्छा पर, मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा से कुछ भी बना लिया, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग द एनुअल बजट, सारे के सारे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एनुअल बजट के साथ वो उन्हीं की डायरेक्शंस में होते हैं, उन्हीं के ही निर्देशन में चल रहे होते हैं सब कुछ, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखिए ना सिर्फ वो सारी के सारे डिपार्टमेंट्स से रिलेशंस, मतलब सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को की जानकारी लेते रहते हैं, बल्कि प्रेसिडेंट का एक रोल और भी है कि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच का लिंक भी कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मैं फिर से बोल देती हूँ, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच का लिंक भी कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टीचर्स हो गए, ठीक है, अपने स्कूल के, ऐसे समझ लीजिए आप, है ना, और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रिंसिपल मैम हो गई और प्रेसिडेंट मतलब डायरेक्टर सर हो गए, ठीक है। तो डायरेक्टर सर और टीचर्स के बीच का लिंक कौन होता है, प्रिंसिपल मैम। बिल्कुल वैसे ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच का लिंक होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही एक ऐसा मीडियम है कि जिसके थ्रू क्या करते हैं, जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी वर्किंग्स चल रही है, जो कुछ भी प्लानिंग हो रही है या जो कुछ भी एग्जीक्यूशन चल रहा है, वो सबकी न्यूज़ जो है उन प्रेसिडेंट को कौन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ही मेक्स द प्रेसिडेंट अवेयर अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले रही हैं या जो कुछ भी वहाँ चल रहा है, एंड ही कन्वेज द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो भी काम चल रहा होता है वो सब कुछ प्रेसिडेंट को जाके कौन बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर की जो भी उसके प्रति एडवाइस होती है वो वापस आकर के किधर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया? तो लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लास्ट, मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। द राइट ऑफ अपॉइंटिंग वेरियस इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट, देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती है, डेजिग्नेशंस होती है, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन इन रियल लाइफ, एक्चुअल लाइफ में वो प्रैक्टिस में कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही वो ऐसा करते हैं। प्रैक्टिस्ड बाय द प्रेसिडेंट नॉट एज पर हिज डिस्क्रिशन बट अलॉन्ग विद द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी अपॉइंट जरूर प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, वो किसके कहने पे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा, आप फिर से रीड कीजिएगा। थैंक यू।